दोस्तों देखे यहाँ पे भी पैकिंग डन है। ये इनका सूटकेस है, वो हमारा सूटकेस है। हमारा ब्लॉग आ चुका है लाइव, हम लोग वो देख रहे हैं। और कुछ देखता नहीं जब तो मिलो देख लेते हैं ब्लॉग, और कुछ देखता ही नहीं जब हम लोग देखेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू देसी ब्लॉगर्स। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं मेरी सिम लेने के लिए। यस, आइडिया की जो कल नहीं मिली थी, कल आइडिया का शोर बनता तो सिम नहीं मिल पाई थी, तो जा रहे सिम लेने, फिर आके मिलते हैं आपसे। दोस्तों मोगली के जाने के बाद उस सफाई ऐसी हो रही है कि हर तरफ से उसके सुसु और पोटे के निशान उठाए जा रहे हैं। बड़ी मेहनत चल रही है इधर, आज पूरा दिन लगेगा सफाई में लग रहा है। क्या बहुत मेहनत लग रही है सब साफ करने में, घर बहुत गंदा रहा है। और आज हम लोग को निकलना है ना, तो इसके लिए हमारे पास टाइम भी नहीं है कि दो तीन दिन लगातार सफाई कर ले तो घर की बदबू चली जाए। आज में हम लोग को घर की बदबू साफ करनी है, तो सर फिनाइल सब जितनी चीज सफाई के औजार है सब यूज किए जा रहे हैं। सोफे पे हटाए जा चुके पूरा तरह से, देखिए पट्टा माती घूम रही है। समय के पहले का बुढ़ापा आ चुका है ऋतु को। उस दिन मैंने घास धुली ना, इतना इतने सारे बकेट भर भर के, उस दिन मेरे साथ ये हुआ है। प्रॉब्लम तो पहले से थी तुमको, एक दो बार जा ही चुकी हो तो तुमको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ। रखोगी तो नहीं, लेकिन फिर भी कह सकते हैं। तो चलिए सफाई वफाई होती है, उसके बाद फिर सब पूरा घर साफ होता हुआ आपको दिखाएंगे एक बार। उसके बाद कुछ खाना ना खाएंगे, फिर मिलेंगे आपसे। दोस्तों हम लोग निकलने की तैयारी हो रही है और पैकिंग वैकिंग शुरू हो चुकी है। पैकिंग अभी तक नहीं की थी, थोड़ा सा काम में व्यस्त है। जाते ही मेरे कमर दिखानी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि कमर में बहुत ज्यादा पेन है। दोस्तों अभी हमें घर निकलना है, उससे पहले लास्ट मील जो खा रहे हैं वो कुकर में मैगी खा रहे हैं। हमारे पतिदेव ने आज कुकर में मैगी बनाई है। दोस्तों अभी लाइट खा रहे हैं और चाय पी रहे हैं, क्योंकि हर बार जब भी एयरपोर्ट जाते हैं उसके पहले खा लेते, एयरपोर्ट पे खा नहीं पाते, वहाँ 2 रुपए वाला जो बुफे होता है, इसलिए मैं सोचा था मैं खाऊंगा ही नहीं, वहाँ सीधे जाके एयरपोर्ट पे खूब सारा खाऊंगा, लेकिन ऋतु ने बोला खा लो तुम। दोस्तों एयरपोर्ट पे 2 बजे हम लोगों को निकलना है, 3:30 तक पहुंचेंगे हम। तब तक ये इंसान भूखे रहने वाले थे, तो शुक्र है मैगी का कि हम बोले कि खा लीजिए कुछ, तो मैगी खाए हैं। आज लाउंज के खाने का कोई सच्चा प्रेमी है। आज दोस्तों ऐसा रिव्यू मिलेगा आपको लाउंज के खाने का, आप देखते रह जाएंगे आप तरसेंगे लाउंज जाके खाने को। और थोड़ा सा दूध रखा हुआ था, तो ये हमारी दिन की आज तीसरी चाय है। दोस्तों देखे यहाँ पे भी पैकिंग डन है। ये इनका सूटकेस है, वो हमारा सूटकेस है। हमारा ब्लॉग आ चुका है लाइव, हम लोग वो देख रहे हैं। और कुछ देखता नहीं जब तो मिलो देख लेते हैं ब्लॉग, और कुछ देखता ही नहीं जब हम लोग देखेंगे। दोस्तों देखे घास वास सब मैंने धुल दिया था उस दिन, जिसकी वजह से मेरी बैग चली गई थी, वो सब अंदर रख दिया है ताकि आए तो तुरंत बालकनी में बिछा के और सेट हो जाए घर अपना पूरा मोगली के जाने के बाद घर इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। क्यों पतिदेव? बहुत साफ सुथरा लग रहा है, बहुत साफ सुथरा लग रहा है, मतलब कि पैर रख रहे तो कम से कम। हाँ दोस्तों कहीं पे भी पैर रखते थे ना तो उसके सुसु में पैर जाता था, और इतना इरिटेटिंग लगता था कि इतनी बार पैर धुल के आना पड़ता था, उसको साफ करते थे फिर दोबारा वही, क्योंकि वो इतना सुसु करता था, पता नहीं लाता कहाँ से था। हाँ मतलब थोड़ा सा क्यूट था, थोड़ा सा क्यूट था, ब्लॉग देख के याद कर रहे। हाँ ब्लॉग देख के, तो दोस्तों देखो ब्लॉग में तो मासूमियत मैं भी दिखाती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं भी सिर्फ क्यूट हूँ। करेक्ट, ये तो बिल्कुल सही बात बोली, उसके बारे में बोली हो ना बोले फिर ये बात तो बिल्कुल सही हो। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम लोग मैगी वैगी खा के सो जाते हैं, क्योंकि हम लोग को उठना है रात के 1-2 बजे हम लोग को निकलना है। और आपको मिलते हैं हम लोग एयरपोर्ट पे, और कल मिल रहे हैं आप लोग घर वालों से। दोस्तों तो अभी हम लोग आए हैं पुलिस स्टेशन, क्योंकि हमारा जो फोन है उसकी लोकेशन, मतलब फाइंड माई आईफोन से उसकी लोकेशन लोकेट हुई है, और हमारे घर से बिल्कुल 100 मीटर के डिस्टेंस पे वो लोकेशन लोकेट हुई है एक मोबाइल शॉप की, बट वो भैया ने मना कर दिया है। तो अभी हम लोग आए हैं पुलिस स्टेशन। तो दोस्तों रात के 2 बज चुके हैं, बैग्स आर रेडी, माई हस्बैंड इज रेडी, बाय बाय होम स्वीट होम। कमर की वजह से दोस्तों दोनों बैग हमारे पति लेके चल रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, बैंगलोर का एयरपोर्ट तो बहुत ज़बरदस्त है, और कैब में इसीलिए ब्लॉगिंग नहीं कर पाया क्योंकि सोते सोते पहुंचे हैं इधर, थोड़े बेचे सो रहे थे हम लोग।
दोस्तों, हम लोगों ने चेकिंग वगैरह कर लिया है, सामान वामान चला गया है, बोर्डिंग पास ले लिया है, हम लोग जा रहे हैं जिस काम के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लाउंज का खाना खाने। जाके दिखाते हैं आपको लाउंज का खाना। आज मैं ज्यादा से ज्यादा आइटम्स ट्राई करने की पूरी कोशिश करूंगा। हम लोग लाउंज में आ चुके हैं, लाउंज तो आपने लास्ट टाइम देखा ही था, वही सेम लाउंज है। आज देखते हैं क्या ट्राई करते हैं, फिर डोसे से शुरुआत करें आज। दोस्तों, मेरा खाने का सिलसिला अभी शुरू हुआ है। पहला आइटम डोसा लिया मैंने, और रितु अपना पहला आइटम खा भी चुकी है। पहला नहीं, दोनों पूरा ही खा चुकी। क्या खाई तुम? उपमा और इडली। उपमा इडली खा भी ली? वाह भाई वाह। यहाँ का सांभर कैसा है? वो यहाँ का सांभर मुझे अच्छा लगता। मस्त है ना? देखो, गोल वाली लाल मिर्च, इसमें ड्रमस्टिक वगैरह भी अच्छी मात्रा में पड़ी रहती है। हाँ, ये ड्रमस्टिक सांभर ही है ना। दोस्तों, पहला आइटम खाते हैं, इसका दिखाते हैं आपको अगला आइटम। पूरा दिखाने की जरूरत है नहीं, आपको लास्ट टाइम दिखाई चुका था क्या क्या आइटम यहाँ मिलते हैं, वही मिले जुले हैं। जब जो जो आइटम लेके आएंगे प्लीज यहाँ पे टेबल पे वो दिखाएंगे आपको। ये आपने इडली तो बहुत खाई होगी, रागी इडली है यहाँ पे, रागी इडली टेस्ट करते हैं। कैसी है? कैसी बात? ये दोस्तों तो थाली में है छोले फुलके, ये आलू है किसी प्रकार का, और ये साबूदाना खिचड़ी। छोले तो कुछ एपेटाइजिंग नहीं लग रहे देख के, तो मटर वाले लग रहे। दोस्तों, ये वो दिल्ली वाले छोले कुलचे नहीं है। तो फाइनल राउंड ऑफ ईटिंग, क्रोजो है ये, कुछ अच्छा तो देखने वाला मीठा है। ये वो भी क्रोजो है, और ये मफिन, ये भी क्रोजो है, वो भी क्रोजो, दो टाइप के क्रोजो है। बनाना स्मूदी है, ये रियल जूस है, तो सही पियेंगे। आखिरी बार है, उसके बाद हम लोग बाहर निकलेंगे, यहाँ से ये खत्म करेंगे, फिर बाहर निकलेंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद फ्लाइट बोर्ड करके कहाँ पहुँचेंगे? बुबू, दिल्ली। ये दोस्तों, इतना खाने के बाद हमारी फ्लाइट है एयर इंडिया की, तो शायद उस पर भी खाना मिलेगा, तो हमारे पति देव वो भी निपटाएंगे, हम तो खाएंगे नहीं। दोस्तों, बेंगलोर एयरपोर्ट की सबसे अच्छी बात है यहाँ की सीटें, इससे हम लोग लेट के एकदम पसर चुके हैं, अपने फ्लाइट का वेट कर रहे हैं, देखते हैं। तो गाइस, सुबह हो गए हैं, अभी तक हम लोग बेंगलोर एयरपोर्ट पे हैं, क्योंकि हमारी फ्लाइट बहुत ज्यादा डिले हो गई है। 5 बजे की फ्लाइट थी, 11 बजे हो गई, और हम लोगों को इन्फॉर्म बिल्कुल नहीं किया गया था इस बारे में, तो हम लोगों ने फिर वो फ्लाइट कैंसिल करा के दूसरी फ्लाइट बुक कराई है। कई सारी फ्लाइट कैंसिल हो रही है, डिले हो रही है, आज पता नहीं क्या है, मुंबई में कोई दिक्कत है बोल रहे हैं लोग, तो लेकिन 5 से 11 बजे तक तो हम लोग वेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऑफिस का काम भी है, तो हम लोगों ने दूसरी फ्लाइट बुक करा ली है फ्लाइट के बदले, तो हम लोग जा रहे हैं। दोस्तों, इस समय हम लोग हैं बेंगलोर के सबसे अच्छे टर्मिनल, मेरे ख्याल से इतने सुंदर एयरपोर्ट मैंने नहीं देखा कभी, अंदर से एकदम भयंकर डिजाइन बना हुआ है, देख लीजिए आप, और लकड़ी का लग रहा है। ये टर्मिनल भी नया ही बनाया है बेंगलोर का, और हम लोग को आज ना चाहते हुए भी आने का मौका मिल गया इधर। दोस्तों, हम लोग को बोर्डिंग पास वगैरह मिल गया है, और फाइनली हम लोग फ्लाइट में शायद बैठने को मिल जाए, अभी गेट पे जा रहे हैं, पता चलेगा वहाँ पे, लेकिन एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर है, देख के दिल खुश हो गया, एकदम हरा भरा है, बांस लगा हुआ है लकड़ी का, देखिए ऐसे स्ट्रक्चर्स पूरे सारे एयरपोर्ट पे हैं, ये लकड़ी का है, काफ़ी अलग यूनिक डिज़ाइन, अच्छा लगा एयरपोर्ट देख के, कलरफुल भी काफ़ी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों बड़ी जद्दोजहद के बाद हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, हमारा आगमन हो चुका है, रात के 2 बजे से निकले हुए, अभी 10:30 हो रहे हैं, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, चलिए अभी घर चलते हैं, हम लोग जाएंगे यहाँ पे भैया भाभी के पास। दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं भैया के यहाँ, भाभी आएंगे, गलत बिल्डिंग बिल्डिंग में, अरे तुमको उठा, हाय प्रणाम, वेलकम। दोस्तों, हम लोग आ गए थे भैया के रूम पे, उसके बाद दिन भर काम था तो बिजी थे, ज्यादा व्लॉग नहीं कर पाए। फिलहाल तो हम लोग दिल्ली में आ चुके हैं, NCR में आ चुके हैं, और यहाँ से हम लोग बनाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स, बने रहिए हमारे साथ इस जर्नी में, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे खाने दिखाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे,
जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जब भी आप दिल्ली से आ रहे हैं। इसी के साथ मिलते हैं आपको कल, तब तक बने रहे हमारे साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल विच इज देसी ब्लॉगर्स। बाय।